नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में सहकारिता विभाग से संबंधित कार्यों को लेकर उपायुक्त सूरज कुमार ने विधायक और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सहकारिता विभाग अंतर्गत लैंपस को कार्यशील पूंजी एवं परिसर में कोल्ड रूम निर्माण करने को लेकर चर्चा की गयी। बैठक में विधायक समीर मोहंती सहित अन्य विधायकों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बता दें कि सूरज कुमार ने बताया कि लैंपस की मजबूती और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए बैठक की गई है। इसमें विभिन्न प्रखंडों से 26 लैंपस को चयनित किया गया है, जिन्हें सरकार की ओर से 2,00,000 रुपए सशक्त बनाने के लिए दिया जा रहा है, जिससे किसानों को बीज, कीटनाशक व खाद समय पर उपलब्ध करा सके। सरकार की ओर से 1750 क्विंटल रवि फसल का टारगेट दिया गया है, जिसमें 400 क्विंटल बीज क्रय के लिए ड्राफ्ट प्रदान की गई है। वही 1350 ड्रॉप जल्द ही सबमिट कर दी जाएगी। इधर विधायक समीर महंती ने कहा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के गरीब किसान मजदूरों की उन्नति के लिए सरकार काफी संवेदनशील है, जिसको लेकर सरकार ने अपनी योजनाओं के तहत किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्हें और किस तरह से स्वावलंबी बना सके, इसको लेकर सरकार ने लैंपस को 2,00,000 रुपए अनुदान के रूप में दे रही है, ताकि किसान समय पर बेहतर फसल उपजा सके। देखिए, सरकार हर तरफ से अपना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। चूंकि भारतवर्ष और झारखंड एक कृषि प्रधान देश है, और किसान को हम कैसे मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, इस विषय पर सरकार काफी संवेदनशील है। खासकर के हमन सोरेन गांव को समझता है, गरीब को समझता है, मजदूर किसान को समझता है। और उसी के क्रम में ही लैंप्स को मजबूत करने के लिए आज सहकारिता विभाग का बैठक हुआ है। उसमें निर्णय लिया गया है कि कुछ लैंप्स को पहले ही उसको पैसा 2,00,000 रुपया करके उसको दे दिया जाएगा, ताकि बीज खाद को खरीद सके और किसान के बीज उसको वितरण कर सके, ताकि समय पर हर चीज को उपलब्ध करने से वो बढ़िया कृषि कार्य कर सके। इसी विषय पर आज हुआ है, और निश्चित रूप से सरकार का ये तो बेहतरीन सोच है, और आगे निश्चित रूप से झारखंड एक माने सोना के झारखंड इसको अमन बना सकते हैं। सबुज झारखंड पैसा के लिए तो आज हुआ है। बीज समय पर नहीं, समय का बहुत पहले सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। रहा बात पानी के लिए भी डीएमएफटी वगैरह से बहुत सारे आपका डीप बोरिंग वगैरह का भी काम चल रहा है, अभी आपका कुछ चेक डैम वगैरह का भी काम चलेगा। और हम लोग हमेशा दिमाग लगाए हैं कि सरकार कैसे बढ़िया किसी कार्य के लिए एक व्यवस्था को तैयार कर सके। आज ये बैठक जो है सहकारिता विभाग की थी, जिसमें कि हम लोगों के जिले में जो लैंप ट्रैक्स हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए, उनकी क्षमता वर्धन के लिए ये बैठक हुई थी। इसमें 26 लैंप ट्रैक्स जो है विभिन्न प्रखंडों के हम लोगों के द्वारा चुने गए हैं, जिनको झारखंड सरकार के द्वारा क्रियाशील पूंजी 2,00,000 रुपये की उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वो सशक्त बन सके और जो बीज, खाद, कीटनाशक इत्यादि का क्रय करना है वो क्रय कर सकें और किसानों तक परिपूर्ण मात्रा में पहुंचा सकें। अभी झारखंड सरकार के द्वारा हम लोगों को 1750 क्विंटल बीज का जो रवि फसल है उसके लिए टारगेट दिया गया है। करीब 400 क्विंटल बीज का हम लोगों के द्वारा ड्राफ्ट जो है विभिन्न लैंप ट्रस्ट के द्वारा दे दिया गया है। 1350 क्विंटल के लैंप ट्रस्ट का ड्राफ्ट सबमिट करना है, तो ये क्रियाशील पूंजी उन ड्राफ्ट को सबमिट करने के लिए और उनको जल्दी से जल्दी जो रवि का बीज है उसकी खरीदारी करने में भी बहुत सहायक होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। नमस्कार।